अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। आज मैं आपको यूएम कमांडो के 5 ड्रॉबैक बताऊंगा, जो कि 3 मैंने डेली यूजेज पे मेरे को फेस करने के लिए आए हैं। तो अभी मैंने चला लिया बाइक, देखिए 5 to 9.6 किलोमीटर्स। और फर्स्ट ड्रॉबैक है इसका, ये देखिए क्लच वायर है, ये क्लच है और एक क्लच वायर जा रही है और देन देखिए क्लच यहाँ पर से पूरी वायर कटने लगी है और ये शायद अगर पूरी कट जाएगी तो क्लच वायर पूरी चेंज करानी पड़ेगी और कहीं पर भी ये मेरे को प्रॉब्लम दे सकती है। और सेकेंड प्रॉब्लम है इसके नट बोल्ट, देखिए एक बार ध्यान से देखिए सबों पे जंग जैसा लग गया है, देखिए इसमें देखिए सारे नट बोल्टों पे जंग टाइप का लग गया है, काले टाइप के हो चुके हैं बस इक्का दुक्का को छोड़कर। ये देखिए इसमें कुछ नहीं हुआ है, ये सही है और बाकी सबों में ब्लैक ब्लैक जंग टाइप के लग गए हैं। और सो गाइस थर्ड प्रॉब्लम है इसमें, जो इन्होंने लिक्विड कूल दे रखा है इस पर ऑयल जाता है ये वायर के थ्रू, तो यहाँ से ये ऑयल लीक होते रहता है, कभी भी लीक होते रहता है, हर 100 किलोमीटर बाद लीक होता है मेरा ये ऑयल। तो सर्विसिंग कराते टाइम मैंने बोला उनसे, पर फिर भी होते रहता है लीक। फोर्थ इशू है इसका, यह है इसका मेन स्टैंड। इसके मेन स्टैंड में ये प्रॉब्लम है कि इसको मेन स्टैंड में खड़े करने के लिए आपको खूब ज़्यादा या तो जिम जाना पड़ेगा या आपको बहुत ज़्यादा पावर होनी चाहिए आपके पास, तभी आप इसको मेन स्टैंड में खड़े कर सकते हैं। और इसका 5वां ड्रॉबैक है ट्यूब वाले टायर पे ये दिक्कत है कि अगर कहीं पर भी हवा या कील घुस गई आपके टायर पे तो आपको पूरा वो कराना पड़ेगा, पूरी हवा निकल जाएगी उसमें से। सो गाइस यही है 5 ड्रॉबैक यूएम कमांडो के। तो थैंक फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।